अस्सलाम वालेकुम वर्स, मैं हूँ साइमा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। मैं आज आपको सिखा रही हूँ फ्राइड चिकन ब्रोस्ट स्टाइल में। इसके लिए आप मीट ले लीजिए हाफ के जी, योगर्ट हाफ कप, एक बाउल में योगर्ट ले लें और एक अलग सेपरेट बाउल में हाफ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ कप मैदा, ब्रेड क्रम्स हाफ कप। अब स्पाइसेस नोट कर लीजिए। अब ये जो स्पाइसेस डालेंगे ये हम दोनों बॉल्स में डालते जाएंगे, योगर्ट वाले में भी और इसके अलावा ये कॉर्नफ्लोर वाले में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मिक्स करेंगे, कॉर्नफ्लोर मैदा और ब्रेड क्रम्स को मिक्स कर लेंगे। अब स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे इन दोनों बॉल्स में, एक मैदे वाले में और फिर दही वाले में। बेबी नीचे हो जाए जी। चिकन है हमारे पास हाफ के जी, उसके हिसाब से ये मसाला, नमक 1 टीस्पून, मैदे वाले में हम थोड़ा सा डालेंगे, चुटकी के हिसाब से डाल लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट, इसके बाद नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मीठा सोडा, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर। अब ये सारे स्पाइसेस हम योगर्ट में ऐड करेंगे। हाफ मिर्च, हाफ चम्मच काली मिर्च, हाफ चम्मच वाइट मिर्च, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, ये सारे स्पाइसेस हम इसमें भी डालते जाएंगे मैदे में। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, रेड चिली पाउडर, योगर्ट में 1/2 टीस्पून, अदरक और लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। उसको हम ये योगर्ट में डालेंगे, मैदा और कॉर्नफ्लोर में नहीं डालेंगे जी। ये हमारे मसाले सारे हो गए हैं। हमने मीठा सोडा अभी ऐड नहीं किया, मीठा सोडा जो है हम योगर्ट में ऐड नहीं करेंगे, मैदे में डालेंगे। दही के हमारे सारे मसाले हो गए हैं। मीठा सोडा, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस प्लेट को हम साइड पे कर देते हैं। ये योगर्ट वाले मसाले सारे हम जो हैं इसमें हम मीट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और इसको हमने मैरिनेट करके कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। चिकन में ये मैंने मस्टर्ड पाउडर भी ऐड किया था, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। अब हम मीट के इन पीसेस को 1 by 1 लेंगे और ड्राई मिक्सचर में रोल करेंगे।
हैं सारे चिकन पे, हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। इतनी देर में हमने ऑयल रख दिया था पैन में गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम हम स्लो रखेंगे ताकि चिकन अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। अगर आपका पैन या कढ़ाई ज़्यादा बड़ी है तो आप एक बार में सारा चिकन डाल सकते हैं, लेकिन मेरा पैन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए मैं 2 बैजेज में डालूँगी। अभी मैंने हाफ चिकन डाला है, इसको ढाँप देंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए। 5 मिनट बाद टर्न कर लेंगे। 10 मिनट्स हो गए और हमारा चिकन रेडी हो गया है, ये अंदर तक अच्छी तरह कुक हो चुका है। हम कोई एक चीज़ को थोड़ा सा तोड़ के क्रश करके चेक कर सकते हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अब सेकंड बैच को फ्राई करेंगे। इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट्स के बाद इसको पलटेंगे। देखें हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी है और ये अंदर तक कुक हो गया है, सॉफ्ट एंड टेंडर। केचप के साथ सर्व करें, रायता, सैलड, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद है। आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एज इट इज़ खाएं, नान के साथ खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय द फेस।